सो बच्चों लोग, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस. ओके बच्चों लोग, हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस. इसमें कितने क्वेश्चन अगर आता है, कितने पीपी बॉन्ड्स हैं, कितने पीएच बॉन्ड्स हैं, इसको क्या हम लोग बिना कुछ बनाए के हम लोग बता सकते हैं? ऐसा कोई तरीका है? यस है, और ये बहुत ही कारगर तरीका होगा, आप इसे बहुत एंजॉय करोगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है. नंबर वन, जितने भी ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस होंगे उसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस विल बी sp3 हाइब्रिडाइज होगा. sp3 हाइब्रिडाइज फॉस्फोरस होना चाहिए. सो द ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, अगर कोई भी आप बनाते हो तो फॉस्फोरस के चार ऐसे ऐसे आप डंडे बना देना, डायरेक्शंस बना देना, तो ये इंश्योर कर देगा कि इसमें क्या होगा, ये एक sp3 हाइब्रिडाइज फॉस्फोरस होगा. नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट इज एटलीस्ट वन पी डबल बॉन्ड ओ होगा ही होगा, ठीक है. नंबर थ्री, देखिए फॉस्फोरस के अगर ऑक्सीज की बात करते हो तो देयर कैन बी पीएच बॉन्ड्स, ये पॉसिबल होते हैं, सिर्फ इसी में पॉसिबल होते हैं, ध्यान रखिएगा, बट ये आपके लास्ट रिसोर्ट होंगे. यानी आपको पहले फॉस्फोरस में, पहले सराउंडिंग में ऑक्सीजन भर देना है, उसके बाद ही आप हाइड्रोजन भरिएगा, ठीक है. बट इट शुड बी प्लेस्ड आफ्टर प्लेसिंग व्हाट, ऑक्सीजन, ठीक है. इतना आप समझ में आ गया. फोर्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाना हो आपको तो पहले क्या काम कीजिएगा, आप कैलकुलेट the oxidation state of phosphorus. कोई भी आपको दिया होगा उससे आप oxidation state of phosphorus आप निकाल लोगे. For example, अगर हमसे बोला जाए H3PO4, तो आप बोलोगे अच्छा ये इसका x मान लेते हैं, तो 3 × 1 + x + 4 × −2 = 0, तो x will be equals to +5, okay? So H3PO3 है, तो आप निकालोगे it will be +3. H3PO2 है, it will be +1, okay? H4P2O7 है, अगेन ये +5 हो जाएगा, ठीक है. तो यहां तक हम लोग दिमाग में रख रहे हैं, अगर हमारा ऑक्सीजन स्टेट एक बार निकल गया तब ये पीएच और पीपी बॉन्ड निकालना बहुत आसान हो जाएगा. कैसे, लेट्स सी. एक बार ये निकल गया, ठीक है, एक बार ये निकल गया तो अब आपको ध्यान देना है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस अगर आता है 5, ठीक है, इट बिकम्स इक्वल्स टू 5, इसका मतलब नो पीपी और पीएच बॉन्ड, एकदम क्लियर. यहीं से आपको समझ में आ जाएगा यार, यहां पे निकाला नहीं कि आप बता रहे हो कि यार 5 आ गया, इसका मतलब कोई पीपी बॉन्ड है ही नहीं. अगर यहां पे 4 आया इसका मतलब पीपी बॉन्ड इज प्रेजेंट बट पीएच बॉन्ड इज एब्सेंट. ओह क्या बात है, अगर 3 आ गया तो पीपी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होगा. अगर आपका 1 आ गया तो पीपी बॉन्ड नहीं होगा, पीएच बॉन्ड 2 होगा, ठीक है, पीएच बॉन्ड 2 होगा. जितने भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स आएंगे इन्हीं सब रूल से फटाफट हो जाने वाला है. बड़ा से बड़ा स्ट्रक्चर आप देखोगे आराम से हो जाएगा. ओके सो लेट अस अप्लाई इट. ओके द फर्स्ट पार्ट, H3PO4, ओके, H3PO4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस निकालिएगा तो आएगा +5. कैसे बनाना बेटा, ध्यान दीजिएगा, पहले आप P बना लीजिए,
फिर 1 2 3 4 हाँ चार डायरेक्शन बना दिया, फिर डबल बॉन्ड रखना ही रखना, रख दो उठा के, ओके चार ऑक्सीजन है तो पहले ऑक्सीजन रखूंगे 1 2 3 भर गया, हाइड्रोजन आप रख दीजिए, ठीक है हाइड्रोजन आप यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, हो गया ओके सो प्लस 5 आ गया। अब नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स की संख्या कितनी हो गई, 3, तो नंबर ऑफ PP बॉन्ड्स कितने हो गए, 0, हम लोग को पता ही था पहले से। नंबर ऑफ PH बॉन्ड कितने हो गए, 0, हमें तो पहले से पता था प्लस 5 में तो हो ही नहीं सकता। और POH बॉन्ड कितने हो गए, 3, यानी इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा बच्चे लोग, इट विल बी इक्वल्स टू 3। ओके नेक्स्ट अगर सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, H3PO3, ओके वेरी कूल ट्रिक। ओके ऑक्सीजन स्टेट की बात करते हैं, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ फास्फोरस कितना है, इट इज इक्वल टू प्लस थ्री का याद आ रहा होगा, अच्छा जी प्लस थ्री मतलब पीपी बॉन्ड तो है नहीं, पीएच बॉन्ड है और वो भी वन है, तो पहले आप बना लो 1 1 2 3 4, ओके डबल बॉन्ड ओ, ओके तीन ऑक्सीजन है, एक बाहर रख दो एक इधर रख दो, कहीं भी रख सकते हो आप। अब हाइड्रोजन रखने की बारी, इधर रखा और एक पीएच यहां बना दिया, खत्म। So, पहले से ही हमें पता था कर यहां पीपी बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता, दो पी तो है ही नहीं, पीएच बॉन्ड भी आपका यहां पर वन है, पहले से ही पता था। और पीओएच बॉन्ड कितना हो गया, 2, तो बेसिसिटी कितनी हो जाती है, इट इज 2। ये आपने पहले से ही पढ़ कर रखा हुआ है कि द बेसिसिटी ऑफ H3PO3 इज 2। ओके नेक्स्ट फटाफट थर्ड H3PO2। ओके सो यहां पर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ फास्फोरस कितना है, इट इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब दो पीएच बॉन्ड होगा, हमने पहले ही पता है, पहले बना लेते हैं ए 1 2 3 4 डबल बॉन्ड ओ, ओके यहां पे एक ही ऑक्सीजन है बचा हुआ, बस रख दिया हमने बोले ठीक है। अब यहां पे हाइड्रोजन रखना है 1 2 और यहां पे आपने रखा 3, ओके बन गया और आगे वेरी गुड। यहां पर आपका आएगा पीएच बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 2, पीपी बॉन्ड तो है नहीं, दो फास्फोरस तो है ही नहीं, ओके सो आपने फटाफट बता दिया ये बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी विल बी इक्वल्स टू अगेन इट इज इक्वल्स टू एक OH बॉन्ड है तो 1 हो जाएगा। ओके सो ये हो गया बहुत आसान तरीका। फोर्थ लेते हैं, मान लीजिए H4P2O7 it is pyrophosphoric acid। अभी क्या होगा देखिए, ऑक्सीजन स्टेट निकालिए 4 × 1 + 2x + 7 × −2 = 0, ओके तो 7 2x = 14 − 4 = 10, x = +5, +5 आ गया यानी नो पीपी नो पीएच। कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने पी बनाया, ओके आपने पी बनाया, देर कैनॉट बी अ पी एच बॉन्ड, देर कैनॉट बी पी पी बॉन्ड, 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके डबल बॉन्ड ओ आपने रखा, डबल बॉन्ड ओ आपने रखा। अब यहां पर देखिए इन दोनों को जोड़ने के लिए ऑक्सीजन बीच में एक आएगा, बिकॉज ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं, 1 2 3 साथ है, 4 5 6 7 हाइड्रोजन कितना होगा, 1 2 3 4 भर गया, यानी नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड 0, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड 0, नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड इज 1 2 3 4, तो बेसिसिटी ऑफ दिस पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज इक्वल्स टू 4, है ना आसान। ओके वन मोर, ओके 4, दिस इज 5। सपोज ऑक्सी एसिड आपको दिया गया है H4P2O6, मान लो आपको पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं लेट अस सी। तो निकालिए फर्स्ट क्या करना होता है, पहले हम लोग निकाल लेते हैं ऑक्सीजन स्टेट इसका, तो 2 × 1 + 2x + 6 × −2 = 0, ओके तो 2x = 12,
12 माइनस 2 इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू सॉरी ओके सो लेट अस स्टार्ट विथ अनदर वन दैट इज H4P2O6 अननोन स्ट्रक्चर है अननोन एसिड लग रहा है आपको लेकिन फिर भी देखते हैं Now, अगर पहला काम क्या करते हैं सबसे पहले इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस निकाल लेते हैं बेटा कितना आएगा इट इज व्हाट 4 into 1 प्लस 2x प्लस 6 into माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ओके सो 2x इक्वल्स टू व्हाट 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8 x इक्वल्स टू 4 ओके 4 का मतलब होता है पीपी बॉन्ड आएगा ही आएगा पीएच बॉन्ड नहीं आएगा काम खत्म स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा सबसे पहले आप पी लिखे ना इसके चार डंडे होना चाहिए 1 2 3 अब चौथा बॉन्ड तो इसके इसी से जुड़ा हुआ है ना पीपी बॉन्ड तो है ही है फिर इस तरह से इसका बना लो ओके फिर 1 2 3 ऐसे बना लिया 4 बॉन्ड्स हो गए इसके भी sp3 हाइब्रिडाइज हो गया पहला काम डबल बॉन्ड रख दिया ये लो डबल बॉन्ड हो अब कितना बच गया 6 है ओके तो 2 खत्म हो गया अब 4 बचे 1 2 3 4 पूरा हो गया हाइड्रोजन रख दो 1 2 3 4 आपको 5 बॉन्ड नहीं बनाना है बेटा इसका 4 ही बनाना है हाइड्रोजन आपको पहले ऑक्सीजन के साथ रखना है अगर नहीं हो पा रहा है तभी अगर कोई आपको खाली मिल रहा है तभी आप पीएच बॉन्ड बनाओगे बन गया ये तो ये हो गया पीपी बॉन्ड इसका स्ट्रक्चर में आपका एक आएगा एंड इस तरह से आपका बन जाएगा क्लियर एक और देखते हैं नेक्स्ट वन बन जाएगा ना ओके H4P2O5 अगेन न्यू स्ट्रक्चर लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड H4P2O5 में क्या हो जाएगा 4 into 1 प्लस 2x प्लस 5 into माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तो 2x हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा प्लस 3 इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब पीपी बॉन्ड तो नहीं है पीएच बॉन्ड एक है ठीक है पर एटम पर वन पर फॉस्फोरस एटम तो एक तो होगा पर फॉस्फोरस एटम कैसे बनेगा स्ट्रक्चर एक बनाइए ऐसे ये बनाइए ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके अब हमको क्या करना है इन दोनों को जोड़ना भी है डबल बॉन्ड ओ रखना ही है तो पहले रख दीजिए ये दोनों पीपी से जुड़े नहीं है एच आ नहीं सकता बिकॉज एच के दो बॉन्ड बनेंगे नहीं ऑक्सीजन नहीं आएगा यहां रख दिया हमने अब बचा 5 में से 3 चला गया कोई 2 रख दीजिए यहां यहां ओके अब हाइड्रोजन प्लेस कीजिए 1 2 3 4 ओके सो इस एसिड का अगर आप बात कीजिएगा पीपी बॉन्ड कितना हो जाएगा 0 पीएच बॉन्ड कितना हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2 यहां पे लिख लीजिए पीओएच कितना हो जाएगा 2 दिस इज पायरो फास्फोरस एसिड इसकी बेसिसिटी आपकी आएगी 2 सो दिस इज हाउ जस्ट आपको अगर फॉर्मूला दे दिया जाए आप ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से आप तुरंत बता सकते हो कि इसमें पीपी बॉन्ड होना चाहिए या नहीं I hope you have enjoyed the trick. I hope you have understood. ये बहुत important question, common question आता है structure based, NEET में भी और JEE main, JEE advanced में भी आ सकता है जहां पे हमें integer type भरना होता है So hope you like the trick. If you've liked it, please like the video, subscribe my video and hit the notification bell. So thank you. Share it with your friends. Okay, enjoy.